चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई ऐसे उदाहरण है जो साबित करते हैं कि आस्था का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, उसके बावजूद चमत्कार की कमी नहीं है। आस्था या अंधविश्वास, कंबल वाले बाबा कर देते हैं चमत्कार, दूर भाग जाती है लाइलाज बीमारी, जब दवा काम नहीं करता है तब दुआ असर लाता है। ऐसा ही एक चमत्कार बाबा के तस्वीरें मैं वेस्ट बंगाल बानपुर सिवस्तान से आपके लिए लाया हूँ। कंबल वाले बाबा के 5 दिन के शिविर बानपुर के सिवस्तान मंदिर में लगा है। कंबल वाले बाबा कहते हैं कि उनके कंबल में आध्यात्मिक शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंबल डालने के बाद उसकी नाड़ी व शरीर को देखने पर उसकी बीमारी का पता चल जाता है। बाबा का दावा है कि सामने व्यक्ति को खड़ा देखकर चिकित्सा और विज्ञान की भाषा में जो बीमारी का नाम है वो बता देते हैं। लकवा, पोलियो, डायबिटीज़ बीमारियों का इलाज है कंबल वाले बाबा के पास, इसीलिए दूर दूर से हजारों लोग आते हैं यही ठीक होने के आशा में कंबल वाले बाबा के पास। कंबल वाले बाबा जिनका मूल नाम गणेश भाई गुर्जर है, वो भारत के अलग अलग जगहों पर 15-15 दिन का या 5-5 दिन का शिविर लगा के लोगों का उपचार करने का दावा करते हैं। कई लोग बाबा का कंबल को स्पर्श करने और बाबा का हाथ लगाने के बाद सुस्त होने का दावा किया है। कंबल वाले बाबा कहते हैं कि उनके कंबल में आध्यात्मिक शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंबल डालने के बाद उसकी नाड़ी व शरीर को देखने पर उसकी बीमारी का पता चल जाता है। बाबा के दावा है कि वो दुनिया के हर गंभीर इलाज करते हैं। गणेश गुर्जर के सिर पर काली पगड़ी रहती है, उनके पास एक काला कंबल रहता है, इसी से बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। बाबा ने बताया कि माता जी की कृपा से उन्हें ये सिद्धि मिली है। देखिए, कंबल वाले बाबा के इलाज सही है या गलत ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस शिविर में जाकर कुछ लोग तो ठीक हो जा रहे हैं। देखिए, बाबा का चमत्कार को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। ऐसा हो तो दूर दूर से लोग क्यों आते हैं उनके पास, कुछ तो है बात उनके पास। अब इसे अंधविश्वास कहे या आस्था, क्योंकि ऐसी उपचार पद्धति को मेडिकल साइंस किसी तरह की मान्यता नहीं देती है। मेडिकल साइंस में उनके बीमारी का उपचार नहीं है, लेकिन आस्था की बदौलत उपचार होने के लगातार मामले सामने आते हैं। ऐसे में ये तस्वीर भी साबित करती है कि कहीं ना कहीं आस्था के चलते भारत की संस्कृति में उस देवी शक्तियों के प्रति विश्वास आज भी कायम है, जो किसी ना किसी रूप में हम लोगों के पास अपना आशीर्वाद लेके आती है। भक्ति और आस्था है तो दुनिया कायम है, इसी आस्था और भक्ति को लेकर लोग आए हैं आज कंबल वाले बाबा के पास। जिन रोगों को डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाए, उसी को लेकर, उसी के आस्था को लेकर लोग ये बाबा के दरबार में आए ठीक होने के आशा में। बाबा के ये शिविर आज आसनसोल बानपुर के सिवस्तान मंदिर में लगा है। आप भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आसनसोल बस स्टैंड से टोटो पकड़कर बानपुर सिवस्तान में आ जा सकते हैं। और हाँ, ये शिविर पूरा पूरी निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।